गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोनी की क्लास में स्वागत करते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में शंकु समाप्त कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच गोला लेकर के आए हैं। आप लोगों को हम बता दिए थे तैयार बना करके भी, इससे पहले भी हम मेंसुरेशन स्टार्ट किए थे उस समय, फिर आज भी हम फिर अपना बना देते हैं। ये जो है आपको स्फीयर है, ये इसका जो है डायमीटर है, इसका आधा भाग जो है रेडियस हो जाएगा। गोला में फार्मूला जो है आपको गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 πr³। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² और गोला का आयतन बराबर अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर (2πr² अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3πr². अब हम चलेंगे हिसाब की ओर, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। आरंभ में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखें तो देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज 18.1 का एक नंबर का हिसाब जो है कहता है क्या, किसी गोले का आयतन भी बराबर डैश होता है जबकि गोले की त्रिज्या आर हो। तो एक का एक नंबर में हमको भरना है 4/3 πr³। फिर एक का दूसरा नंबर जो है वह कहता है किसी गोले का आयतन भी बराबर डैश होता है जबकि गोले का व्यास जो है डी हो। जब आपको व्यास दिया गया है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास बटा 2 यानी डी बटा 2। तो गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 4/3 π ×d आर का मान डी बटा टू का क्यूब 4/3 π ×d³ बटा 2 × 4 × 8 × 4 × 8 1/6 π d³ जो कि आपका आंसर होगा एक का दो नंबर का। पुनः फिर जो है नेक्स्ट देखें, कहता है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल गैस होता है जबकि त्रिज्या आर है, तो इसमें हम भरेंगे 4πr² एक का फिर 4 नंबर जो है किसी खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है, तब सेल का आयतन होगा। बाहरी और भीतरी त्रिज्या आपको दिया गया है तो हम लिखेंगे क्या, सेल का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है 4/3 π ×R³ − r³। तो 4/3 π ×, आपको जो है बाहरी और भीतरी जो है त्रिज्याएं जो है आपको दिया गया है कितना, a और b है, तो हम लिख सकते हैं क्या (a³ − b³), यानी हो जाएगा 4/3 π ×a (a³ − b³) बराबर फॉर्मूला होता है (a-b)(a²+ab+b²) जो कि आपका आंसर है यही एक का 4 नंबर में। यह आगे नहीं बढ़ा रहा है, समझ गए ना।
ऐसे आप इतना भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर आता है, एक खोखले का बाहरी व्यास तथा भीतरी व्यास क्रमशः एक्स और वाई हो तो खोखले गोले का ठोस भाग का आयतन पाई बटा 6 पाई एक्स वाई इंटू डैश दिया हुआ है। तो देखिए उसको, एक का 5 नंबर में हो जाएगा बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर बराबर जो है हो जाएगा आपको एक्स बटा 2, उसके बाद जा करके भीतरी त्रिज्या जो है हो जाएगा स्मॉल आर बराबर, भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर वाई बटा 2। तो कहता है क्या, तो खोखले गोले के ठोस भाग का आयतन, तो खोखले गोले का आयतन बराबर, खोखले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई इंटू बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, तो 4/3 पाई इंटू एक्स बटा 2 का क्यूब माइनस वाई बटा 2 का क्यूब, तो हो जाएगा आपको 4/3 पाई इंटू ए माइनस बी होता है तो एक्स माइनस 2 इंटू वाई बटा 2, फिर हो जाएगा आपको ए स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं एक्स बटा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 इंटू वाई बटा 2 प्लस वाई बटा 2 का स्क्वायर, तो आपको आ जाएगा 4/3 पाई इंटू एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो 2x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस एक्स वाई बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4। इसको जब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो आपको हो जाएगा 4/3 पाई इंटू, यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 × 2 = 4 काट देते हैं तो हो गया आपको 2/3 पाई इंटू एक्स माइनस वाई, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 2 × 2 = 4 कट गया, 3 × 2 = 6 हो जाएगा 1/6 पाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स वाई प्लस y स्क्वायर, तो हम रिक्त स्थान में जो है हम भरेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हम भरेंगे क्योंकि आपका आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट हिस्सा फिर पुनः देखें, 6 नंबर हिसाब में कहता है क्या, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 cm² होगा यदि त्रिज्या 7 cm है, तो दिया है आपको r बराबर कितना 7 cm, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr² 4π का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 = 7 कट गया 22/7 = 154 हम 4 करेंगे तो 4×16 = 25 × 21 = 21 × 4 = 600 cm² जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर पुनः देखें, हिसाब नंबर 2 कहता है क्या, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 2 का आपका आंसर सी होगा जो कि दिया गया है 4/3 पाई आर क्यूब, आपको फॉर्मूला में भी लिखा है गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तीसरा नंबर देखें, कहता है क्या 5 cm तथा 6 cm त्रिज्या वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 3 नंबर में हम लिखेंगे क्या, अनुपात बराबर 5 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 5 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन बटे 6 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन है।
पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन 4/3π × 5 का क्यूब 4/3π × 6 का क्यूब 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, 125/216 यानी 125/216 होगा, यानी आपका आंसर नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर पुनः देखिए, 4 नंबर कहता है किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। आधी करने पर त्रिज्या बराबर r/2, आधी करने पर त्रिज्या बराबर r/2, तो कहता है क्या नए गोले का आयतन कितना रह जाएगा। नए गोले का आयतन बराबर 4/3π × r³ होता है, तो r/2 का क्यूब 4/3π × r³/8, तो 4 × 2 = 8, तो 1/6π r³, यानी जो है आपका जो है आंसर जो होगा, यानी करा है भाग पूछ रहा है, तो भाग बराबर हम लिख देंगे गोले का आयतन 4/3π r³ / इसका आयतन हमको निकल गया है 1/6π r³, π r³ कैंसिल हो गया, 4/3 × 6/1, 3 × 2 = 8/1, यानी आंसर जो होगा आपका सी नंबर 8वां भाग। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फिर देखें, पता है क्या यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होगा। कहता है यदि किसी ठोस गोले को बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, तो भाग बराबर हम लिखेंगे दोनों अर्धगोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, दोनों अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 3π r² + 3π r² चूंकि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 3π r² होता है, गोला का 4π r² होता है, 6π r² / 4π r² कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3/2 अर्थात जो है 1.5 गुना हो जाएगा, यानी आंसर नंबर जो है 1 ड्योढ़ा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।